आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि अब अंदरूनी घमासान और तेज हो चला है। पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के भीतर की कलह खुलकर सबके सामने आ गई है। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने जिस लहजे में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा और फिर जिस तेजी से कई मुख्यमंत्रियों समेत दिग्गज कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, उससे साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में दो गुट बन चुके हैं। कांग्रेस का एक गुट जहां सोनिया गांधी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरा गुट राहुल गांधी को ही अगले अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। उधर प्रियंका गांधी कह चुकी है कि कोई गैर गांधी अब पार्टी का मुखिया बनना चाहिए। खैर, पार्टी का कप्तान कौन होगा, कौन नहीं होगा, इस पर तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस साल दर साल कमजोर कैसे होती जा रही है। क्या कांग्रेस के गुटों में बंटे होने के चलते बीजेपी अपने ग्राफ को बढ़ाने में सफलता हासिल कर रही है, या फिर कांग्रेस की रणनीति में कहीं न कहीं कमी है। चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि ऐसे में अगर कोई गांधी परिवार से अलग पार्टी की कमान संभालता है तो क्या गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, क्या 6 दशक तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस जनता का विश्वास हासिल करने में फिर सफल होगी। आज इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे, कप्तान कौन है। तो साल 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद 88 अध्यक्षों ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। इनमें से आजादी के बाद के 72 साल में 19 अध्यक्ष बने। इनमें से 38 साल नेहरू गांधी परिवार का सदस्य पार्टी का अध्यक्ष रहा। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि कोई गैर गांधी भी पार्टी की कमान संभाल सकता है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस में हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। पार्टी एक बार फिर 1967 जैसी परिस्थितियों का सामना कर रही है। तब के कामराज के नेतृत्व में बुजुर्ग नेताओं ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था और इंदिरा ने अलग पार्टी बना ली थी। वही अब देखना है इस बार जीत युवा तुर्कों की होती है या बुजुर्गों की। चलिए अहम विषय पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कौन होगा कांग्रेस का नया कप्तान, इस बड़े सवाल पर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। दरअसल सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश की। हालांकि उनका इस्तीफा तो नहीं हुआ और न ही किसी अन्य नाम पर सहमति बनी, लेकिन कांग्रेस के भीतर की कलह खुलकर सबके सामने जरूर आ गई। दरअसल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को भेजी गई नेताओं की चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का आरोप था कि पार्टी नेताओं ने ये सब बीजेपी की मिलीभगत से किया है। राहुल के इस बयान को कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वालों में सबसे आगे थे गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल। सिब्बल और आजाद ने अपने विरोध में क्या कहा, उसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ। करीब 15 दिन पहले पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, पिछले चुनावों में युवाओं ने डटकर नरेंद्र मोदी को वोट दिए, कांग्रेस में लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए और इसका असर भी दिखना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में सोनिया गांधी को लिखी गई इस पुरानी चिट्ठी के मुद्दे पर घमासान शुरू हुआ, जो इतना बढ़ा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर पलटवार तक कर दिया। सिब्बल ने ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया, पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए, फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे में वो अपना पुराना ट्वीट हटा रहे हैं।
सिब्बल के अलावा गुलाम नबी आजाद भी राहुल गांधी के बयान से काफी नाराज हुए। उन्होंने तो इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि अगर बीजेपी के मिलीभगत होने के राहुल गांधी के आरोप साबित हुए तो वह इस्तीफा दे देंगे। ये सारी बातें बयां कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी दो गुटों में बटी हुई है, जिसमें एक धड़ा सोनिया गांधी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरा गुट राहुल गांधी को ही अगले अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। इधर प्रियंका गांधी कह चुकी है कि कोई गैर गांधी अब पार्टी का मुखिया बनना चाहिए। खैर, पार्टी का नया कप्तान कौन होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस में जो कलह की स्थिति है उसे लेकर बीजेपी उस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योगी उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं, बहुत सारे योगी उम्मीदवार हैं। बहरहाल, सियासी वार पलटवार और आपसी खींचतान से इधर सवाल यह है कि कांग्रेस का नया कप्तान कौन होगा? गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना क्या गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? और सबसे अहम, बीजेपी के बढ़ते ग्राफ और अपनी पार्टी में मचे घमासान के बीच क्या कांग्रेस पर जनता विश्वास कर पाएगी? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पत्र के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। वैसे कांग्रेस के करीब 135 साल के इतिहास में पहला मौका नहीं है जब पार्टी के अंदर इस तरह की बात उठी हो। साल 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को लगभग आधे राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी में आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंदिरा गांधी ने देश के पांचवें राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बीबी गिरी को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें जिता दिया। कई महीनों तक पार्टी में संघर्ष के बाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने नवंबर 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से यह कहते हुए निकाल दिया कि इंदिरा पार्टी में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रही है। पार्टी के पुराने नेता, जिन्हें उस समय सिंडिकेट कहा जाता था, इंदिरा जी से बेहद नाराज थे। वो इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा करते थे। इंदिरा जी को हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की संसदीय बैठक में उनके पक्ष में जबरदस्त सपोर्ट निकलकर सामने आया। नतीजा हुआ कि पार्टी टूट गई, लेकिन इंदिरा वामपंथियों और डीएमके की मदद से अपनी सरकार बचाने में सफल रही। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत के साथ ही इंदिरा ने पार्टी के अंदर भी जंग जीत ली और उनके नेतृत्व पर मोहर लग गई। कांग्रेस में आजादी से पहले और उसके बाद कई बदलाव हुए। पार्टी का आज जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है वो कम और अभी भी। तो चलिए इसमें हम आगे से इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजन तिवारी जी हैं। राजन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। प्रेम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं। गिरिजा जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश शर्मा जी हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, धन्यवाद। त्रिपाठी जी, आप कैसे हैं? अरे साहब, कभी तो बैठने का मौका साथ में दीजिए, कभी तो अपना दर्द बयां करूं। दूर से पूछेंगे तो यूं कहूंगा कि खैरियत है। चलिए, हम तो बाहें फैलाए आमंत्रण दे रहे हैं। हुजूर आला रायपुर आइए। चलिए, आपको मैं मध्य प्रदेश आपका ही है, प्रेम प्रकाश जी भी जानते हैं, मध्य प्रदेश आप ही लोगों का है भाई, कहाँ जाएंगे। तिवारी जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तिवारी जी, जब जड़ों में जख्म होता है तो टहनियां भी सूखती है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, एक तरफ भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, और उसके बाद अगर आला कमान के लेवल पे ये हो, नेतृत्व को लेकर इस तरह घमासान मचा हो, उससे तो फिर वही जो हमने कहा कि जड़े में अगर जख्म लगेगा तो टहनियां भी सूखेंगी। त्रिपाठी जी, पहली बात तो ये आपने कहा भाजपा का कि सदस्य संख्या बढ़ रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सदस्य संख्या बढ़े ही वो कागजों में बढ़ा रहे हो, जैसा छत्तीसगढ़ में बढ़ाया है उन्होंने, तो छत्तीसगढ़ में तो ये हालत है कि जितने सदस्य हैं उतने
उनके अपने कार्यकर्ता वोट दे दिए रहते तो शायद भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में ऐसी दुर्गति नहीं होती। इसलिए ऐसी बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने जरूर ये जो आज चहल पहल हुई है, ये इसको तो मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1975 में तो मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और तब से मैं लगातार कांग्रेस के उतार चढ़ाव को, धूप छांव को देखता हुआ आ रहा हूँ। 77 में जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और 78 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो दौर मैंने देखा है जब इंदिरा जी के साथ लोग खड़े नहीं होते थे और किस तरह से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम उन्होंने किया। एक बात है त्रिपाठी जी कि हर संक्रमण के दौर से कांग्रेस में नई ऊर्जा आती है और नई क्षमता और नई ताकत के साथ में उभर करके कांग्रेस खड़ी होती है। बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति मैंने बाद में 91 में भी देखी। राहुल जी नहीं रहे हम लोगों के बीच में और लोकसभा के चुनाव हुए, मगर उनकी स्मृति में और कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत रहा कि जीत करके आए। फिर बाद में जैसा कि आपने अपनी बात में कहा ना, गांधी परिवार के बाहर भी तो 19 लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे जिन्होंने इस गुरुतर दायित्व को निभाया। मगर मेरा अनुभव, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 45-50 जो मेरे अनुभव में आती है बात, वो मैंने देखा कि सीताराम जी केसरी अध्यक्ष थे और 1997 में हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में शामिल हुए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं जो वर्किंग कमेटी का चयन किया करता है। हालांकि हमारे यहाँ पहले परंपरा ये रही है कि आधे सदस्यों का चयन हम लोगों के द्वारा किया जाता है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य होते हैं। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर होते हैं और बाकी सदस्यों का जो चयन होता है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किया करते हैं, ये परंपरा रही है। मगर पिछले चुनाव में हम लोगों ने ये अधिकार पूरा का पूरा अपना अधिकार दिया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कि वो स्वयं चयन कर लें। हमारी तरफ से भी हम उनको अधिकार प्रदत्त कर रहे हैं क्योंकि मुझको जो सम्मेलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, वहां का बड़ा अनुभव है कि किस तरह से दो खेमे बने हुए थे और खुल करके चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे थे, एक खास खेमे का विद्याचरण जी शुक्ल के साथ में और दूसरा खेमा जिसका प्रतिनिधित्व दूसरे लोग कर रहे थे, शरद पवार जी, अर्जुन सिंह जी, ये सब एक खेमे में थे, राजेश पायलट की बात कर रहे हैं आप और बाकी लोग दूसरे खेमे में। सूरज कुंड की बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, सूरज कुंड की नहीं, मैं तिरुपति की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, तिरुपति में जो सम्मेलन हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, मैं अभी उसके बाद में 1997 में जी हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने जो सवाल पूछा, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि, क्योंकि आज आपने एक घंटे का समय रखा है तो थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाह रहा था मैं, मगर आप कहें तो मैं सीधा सवाल पे भी आ जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, समय दिया। 97 में हम लोगों ने कलकत्ता में देखा था कि बहुत, जी जी जी, मैं उन दिनों सक्रियता से उस सम्मेलन में भाग ले रहा था तो सीताराम जी केसरी हमारे अध्यक्ष थे, मगर दुर्भाग्य से स्थिति ये थी त्रिपाठी जी कि ममता बनर्जी हमको छोड़ के जा रही थी, इधर चिदम्बरम साहब छोड़ के चले गए थे और कांग्रेस में बड़े बिखराव की स्थिति थी, बड़ी असमंजस की स्थिति थी। खैर, चुनाव हुआ, इसके बाद में उसी समय सोनिया जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और जब ये देखा गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो सारी की सारी वर्किंग कमेटी चली गई सोनिया जी के पास हाथ जोड़ करके कि मैडम अब ये दायित्व तो आपको संभालना पड़ेगा। और सबके मान मनोबल के बाद सोनिया जी ने उस पद को ग्रहण किया। 2000 में चुनाव हुआ और मैं उस चुनाव में तो बड़े सक्रियता से काम कर रहा था, सोनिया जी के पक्ष में हम लोग प्रचार कर रहे थे और जितेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए थे सोनिया गांधी के खिलाफ और राजेश पायलट जी उनका साथ दे रहे थे, मुझको वो मंजर, वो सारा दृश्य बखूबी याद है। और हुआ ये कि प्रचंड बहुमत से जितेंद्र प्रसाद जी पराजित हुए और उल्लेखनीय बात यह है कि जितेंद्र प्रसाद जी पीवी नरसिंह राव जी के समय में उनके राजनीतिक सलाहकार थे, बेहद शक्तिशाली थे वो कांग्रेस में, मगर जब सोनिया जी खड़ी हुई तो एक तरफा बाजी रही, एक तरफा कांग्रेस जनों ने एक मतेन हो करके सोनिया जी को अपना अध्यक्ष चुना। और साहब फिर 2004 का
जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 2009 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सोनिया जी का नेतृत्व उभर करके सामने आया, और 2004 में उस समय तो साइनिंग इंडिया नाम की लहर चल रही थी, प्रमोद महाजन जी जिसके सूत्रधार थे और महामना और हम सब के आदरणीय, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हम सब के आदरणीय गोलोकवासी अटल बिहारी जी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, और बिल्कुल कल्पना नहीं होती थी कि वो पराजित होंगे, मगर पराजित हुए सोनिया जी के नेतृत्व के कारण, और कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, सरकार बनी 2000 जी, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, पांडे जी भी उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है, एक तरफ जी पुराने और एक तरफ युवा, आपके मत में कौन, राहुल जी या सोनिया जी, या गांधी परिवार से अलग हुए तो क्या एकजुट? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि वो बुंदेलखंड की कहावत है ना, तुम्हें और नहीं हमें ठौर नहीं, तो भाई मैं तो बिल्कुल परंपरागत कांग्रेसी हूँ। मैंने बताया ना कि 47-48 साल का मेरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में है, तो मैं बड़ी उसके साथ ये कह रहा हूँ कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का उद्धार नहीं है। मैं चिंतन भी करता हूँ त्रिपाठी जी, और खूब सोच समझ करके मैं एक एक अध्यक्ष के बारे में बताता चलूँ, और गांधी परिवार जब अध्यक्ष बने उनके बारे में बताता चलूं, बहुत समय लगेगा, मगर ये सर्वसिद्ध बात है कि गांधी परिवार के बगैर हम कांग्रेस की कल्पना नहीं कर सकते, मेरे जैसा आदमी नहीं कर सकता। और मेरा ये भी राहुल जी हो चाहे सोनिया जी, कहना चाहूंगा कि मैं राहुल जी को अध्यक्ष के रूप में नहीं, मैं राहुल जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता हूँ, उसके पीछे कारण है, सतर्क पूरी तरह से मेरा अपना अनुभव, मैं मुझको राहुल जी के साथ अनेक बार बैठ करके बात करने का मौका मिला, और हर बार मैं उनसे बेहद प्रभावित होकर के उठा, और उनकी जिस तरह की बात रहती थी और जिस तरह के निर्णय होते थे वो मुझको याद आते हैं। और दूसरी बात यह है कि सोनिया जी की तबीयत ऐसी है कि वो पूरा समय बैठ सके कांग्रेस के दफ्तर में और कांग्रेस के लिए पूरा चुनाव प्रचार कर सके, वो स्थिति मुझको नहीं दिखती है। इसलिए आपने चूंकि मेरी राय पूछी है, इसलिए मैं तो एक मते राहुल जी के पक्ष में हूं कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और उनके बगैर हमारा ठिकाना नहीं है, बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है। बिल्कुल, लेकिन जल्दी करिए, पांडे जी के पास जल्दी करिए, नहीं तो जड़े टहनियों तक जो उसका फल आता है ना, टहनियां जब सूखती है पहले जब जड़े कमजोर होती है तो कुछ दिनों बाद आता है, तो वो हमारे कहने का मतलब हो छत्तीसगढ़ हो पंजाब हो मिजोरम हो, बहुत देखा मैंने ये दौर, बहुत देखा है, और अभी आप देखिए कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। चलिए पांडे जी आप मेरी आवाज आ रही जी पांडे साहब, ये अच्छा दौर है, थोड़ा सा आपने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, तो हालांकि कांग्रेस मुक्त हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस युक्त जो बना रहे हैं तो इसमें कितना सफल होंगे आप? देखिए, कांग्रेस की जहां तक जो वर्तमान में कांग्रेस है जी, एक बात बार बार ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेसी हैं जी, वो कांग्रेस तो कभी की खत्म हो गई जी, और देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी कांग्रेस कितनी बार बटी है जी, केरल कांग्रेस, अर्ध कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस जी, कांग्रेस के जितने लेटर हो सकते थे, जितने नेता उतने उतने नाम पे बटी है जी, और अभी तो राजेंद्र जी खुद बता रहे थे कि वो कौन सी कांग्रेस के चुनाव में गए थे जहां सोनिया जी को लाया गया जी। आजादी के बाद आप देखें, या आजादी के समय पे ही जब सुभाष चंद्र बोस जी के जमाने पर जब गांधी जी का झुकाव इधर आया जी, तो नेहरू जी के कब्जे में ये कांग्रेस पार्टी रहे, नेहरू जी से जब गई तो कैसे इंदिरा गांधी के पास आए, इंडिकेट सिंडिकेट बना। अब इंदिरा गांधी के पास आने के बाद जिस सीताराम केसरी और उसकी बात कर रहे हैं जी, ये बोल रहे हैं सोनिया जी उस समय सदस्य बनी, ये पूरी योजना ही है कि कैसे भी कांग्रेस गांधी परिवार के पास रहे जी। अब आप ये देखिए कि उस समय जब सीताराम केसरी जी थे तो कांग्रेस का विभाजन हुआ, तिवारी कांग्रेस बनी,
और जब सरकार बनी 2004 में तो तिवारी कांग्रेस के वो सारे लोग, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे माखनलाल छोटेदार जी हो, ये सारे के सारे पांडे जी सीताराम, पांडे जी सीताराम की सभा में विभाजन नहीं हुआ था। जवाब देना पड़ेगा मुझको, पांडे जी को मालूम नहीं है। एक बार हम बता दे रहे हैं जी के पहले विभाजन नरसिंहराव जी के समय हुआ था। तिवारी कांग्रेस पहले तिवारी कांग्रेस मानव संसाधन मंत्री रहते हुए अर्जुन सिंह जब हटे थे उन्होंने तिवारी कांग्रेस नाना पे तिवारी के साथ बनाई थी। और हवाला कांड को लेकर के जिस तरह से उसके बाद जब नरसिम्हा राव जी का भी बनी थी, नरसिंह राव के समय बनी थी वो जी 91 के बाद में हुआ जी। नरसिम्हा राव में जब वो आए जी तो ये सारे लोग फिर आ गए जी। और वो उस समय से ही सोनिया जी इनडायरेक्ट जो है पूरा उसका संचालन कर रही थी जी। और सीताराम केसरी जी को बीच में इसलिए ले आया गया जी कि उस समय राजीव गांधी जी की हत्या के तत्काल बाद जी ये जो देश जो है सोनिया जी को राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करता और वो राजनीति से दूर है ऐसा करके प्रचारित किया गया जी। जब उन्हें राजनीति में आना पड़ा तो राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर उन्होंने देश भर के तमाम पत्रकार अधिकारी और सबके बुला के और वहां से वो धीरे 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 पॉलिटिकल इसमें ले आती थे जी। लेकिन ये कुल मिला के कांग्रेस के अंदर होगी जो आज की घटना है उस पर मैं आ रहा हूँ जी। जहां तक राहुल गांधी जी की बात हो रही है जी और इसको युवा बनाम बुजुर्ग किया जा रहा है जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने युवा जी आखिर सिंधिया जी चले गए जी, सचिन पायलट क्या हुए, मिलिंद देवड़ा कहाँ है, आपके जितेंद्र प्रसाद के जो लड़के जतिन प्रसाद हैं वो कहाँ हैं, तो ये जो सारे लोग हैं यही तो युवा चेहरे हैं अभी राहुल गांधी जी को छोड़ करके। तो कुल मिला करके वर्तमान में और राहुल जी की जो तत्काल में भी और पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं स्पष्ट कहूंगा, आप याद कीजिए कि मनमोहन सिंह कैबिनेट का पर्चा पत्रकारों के बीच में उठा के फाड़ के फेंक दे रहे हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी कभी भी अपने से वरिष्ठ नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, वो एक डायनेस्टी के रूप में जाने जा रहे हैं कि वो राजकुमार हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से वो मान सम्मान की तो दृष्टि नहीं है, तो कितने दिन तक ये सहेंगे। तो जो लोग उस समय सरकार में थे, उस सरकार थी मनमोहन सिंह जी थी, उसने सह लिया, तो बहुत से लोग सहते सहते भी अब आ गए। अच्छा गुलाम नबी आजाद जी क्या राजेंद्र तिवारी जी बोल रहे हैं युवक कांग्रेस, तो राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्हीं के अध्यक्ष रहे जी। तो मुकुल वासनिक रहे हैं, तो सब कभी युवा थे, युवा से ये हुए, तो ये युवा बनाम नहीं है बल्कि ये एक कोशिश है कि फिर से राहुल गांधी के अंदर आए। एक वर्ग है जो जान रहा है कि कांग्रेस इस परिवार के अंदर रह करके अब जो नया जमाना आ रहा है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। पांडे जी, इसमें आपकी नजर कितनों पे है? उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, युवा में आपकी नजर कितनों पे है? लीडरशिप क्वालिटी, सिंधिया जी, सचिन पायलट जी, आपने जतिन प्रसाद, बहुत सारे नाम आए, युवाओं में कितने पे नजर है आपकी? तभी तो कांग्रेस जीत तो भाजपा बनेगी। नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा आप ही लोगों जो अभी रिपोर्ट दिया, ये लोग जो है विरोध में हैं जी, इन लोगों ने चिट्ठियों में अपनी सहमति दिखाई है, तो मैं उस नाम पे कह रहा हूँ जी। तो आखिर यही तो युवा है ना राष्ट्रीय स्तर पे, तो इनके राहुल गांधी के अलावा यही चार पांच युवा के नाम आते हैं जी। अब वैसे बात है कि भाई गांधी जी, वो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी को बनाए वो उनकी पार्टी है जी। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर ये सारे जहां जहां सरकार है उन लोग कर रहे हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह जी शुरू से चुकी राहुल गांधी जी के साथ उनकी नहीं पटती थी, उनके बावजूद भी वो बने हैं, तो इसलिए वो राहुल गांधी जी के पक्ष में नहीं है। लेकिन बाकी लोग ये जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये गांधी परिवार के पास ही रह रहा है, इसलिए आज से राहुल गांधी कुछ भी कर रहे हैं, यानी ताजी खबर की जानकारी भी नहीं रखते हैं पांडे जी। आपको चुप रहो, या तो न्यूज नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या आप, कि अमरिंदर सिंह को आप राहुल गांधी का विरोधी बता रहे हैं?
चलिए चलिए उसमें थोड़ा सा नहीं 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 जान रहे हैं ना तो थोड़ा भाई जैसे पूरे दुनिया जान रही है थोड़ा आप जैसा समझदार आदमी ने सोनिया गांधी को कहा है कि ऐसा हवा में मत बात किया करे भाई अच्छा नहीं लग रहा। चलिए लेकिन सवाल उनको कहने का मौका इसलिए तिवारी जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं प्रमाण है इसके सारे लोग जान रहे हैं तिवारी जी कांग्रेस के अंदर को जान रहे हैं एक मॉस बेस्ड पार्टी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी उस पे अगर हाई लेवल पे इस तरह बात चल रही है माँ बेटे की बात चल रही है बेटी की बात चल रही है कि ये तो विपक्ष कहें आप सत्ता पक्ष में है बीजेपी तो उनको मौका तो मिलेगा ही तिवारी जी हमारे साथ गिरजा शंकर जी हैं गिरजा जी हालांकि तथ्यात्मक बात करें ना असत्य बात ना करें मैं ये और पांडे जी ना करें भाई इनकी पार्टी के तमाम लोग तो करते रहते हैं हाँ उनको झूठ बोलने की आदत है पांडे जी जैसे आदमी से उम्मीद नहीं करता मैं बस और बात मैं पूरे तथ्य से बोल रहा हूँ पूरे तथ्य से बोल रहा हूँ कि अमरिंदर सिंह जी की डिसलाइकिंग में राहुल गांधी हैं। चलिए गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं गिरिजा शंकर अब आप अब ऐसा आपने ज्वाइन कर लिया है लगता है कांग्रेस पार्टी चलिए हाँ, इंटरनली ज्वाइन कर लिया है आपको सारी रिपोर्ट रहती है सर ज्वाइन करने की जरूरत है। चलिए गिरिजा शंकर जी वो तो ओपन फैक्ट है दिख रहा है हालांकि तिवारी जी बता चुके हैं कि बिना गांधी परिवार खासकर राहुल गांधी उनकी लाइकिंग में है बिना गांधी परिवार कांग्रेस आगे नहीं पनप सकती। आपने भी देखा होगा जैसे आपने बताया था कि जब सोनिया जी जब उनको किस स्थिति में कैसे अध्यक्ष बनाया गया था अर्जुन सिंह जी जैसे कुछ लोग सीताराम जी को किस तरह से कमरे से बाहर निकाला गया राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वहां सोनिया जी को बिठा दिया गया मात्र सीताराम केसरी जी साथ तारिक अनवर जो बिहार के हैं उनके अलावा कोई खा नजर नहीं आया जबकि उसके पहले सीताराम जी के नाम से उनका एक बकायदे ऐसा गांधी परिवार के बाद ऐसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे जिन्होंने अपना थोड़ा बहुत टेरर फैलाया था लेकिन इन स्थितियों में जो अभी फिलहाल चल रहा है गांधी बनाम गांधी की बात आ रही है सोनिया जी बनाम राहुल गांधी जी की बात आ रही है ऐसी स्थिति में कांग्रेस के भविष्य को किस रूप में देखते हैं गिरिजा जी आप नहीं कांग्रेस का भविष्य जो है वो बहुत उज्ज्वल है ऐसा इतनी पुरानी पार्टी है जिसके गांव-गांव तक कैडर फैला हुआ है तो किसी चुनाव में पराजय होने या कम सीटें आने से कोई किसी पार्टी का कोई पतन हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा ये सोचना भी मतलब मैं सही नहीं समझता जी। जो कुछ घटनाक्रम जो आज है जी। मतलब जो आज घटनाक्रम है जिस पर चर्चा करना है मेरे ख्याल से 30 मिनट से ऊपर गुजर गए हम केवल इतिहास पर बात कर रहे हैं आज की घटना पर कोई बातचीत नहीं हुई आधा घंटा पूरा गुजर गया जी। तो दरअसल आपने जो कहा वो जिस रो में कहा हो कि माँ बेटा ये जो है ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी हो सकती है जी। लेकिन मैं इसको इस रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर को इस रूप में एड्रेस नहीं करता जी। आज आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर जब लीडरशिप की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पसंद नापसंद जो भी हो लेकिन एक ऑब्जर्वर के रूप में आज आप पिछले कई सालों से अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद जो कांग्रेस का चेहरा है जो कांग्रेस की आवाज है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खुलेआम चुनौती देती कोई शख्सियत है वो राहुल गांधी है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के लिए नेचुरल चॉइस जो है वो राहुल गांधी है। अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष रहना नहीं चाहते और सोनिया गांधी अपनी उम्र और अपनी स्वास्थ्य के कारणों से उतनी सक्रिय नहीं हो सकती तो ये तो बहुत छोटी सी बात है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच ये तय होना है कि कौन अध्यक्ष रहे जी। दोनों एक साथ यदि काम करेंगे तो कांग्रेस में जो भ्रम की या जो अनिर्णय की जो स्थिति बनी हुई है जिसका शिकार कांग्रेस हो रही है और जिसको जिसके चलते 23 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखनी पड़ी है उससे उभरने के लिए ये तय करना पड़ेगा गांधी परिवार के अंदर ही कि दोनों तीनों में से कौन लीड करेगा और मेरे लिहाज से एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि राहुल गांधी कितना डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कांग्रेस को उबार पाएंगे नहीं उबार पाएंगे लेकिन अपनी सक्रियता के चलते आज मैं समझता हूं कि नेचुरल चॉइस पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए राहुल गांधी हैं। दिक्कत दरअसल ये है कि सोनिया गांधी एक लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रही दो बार सरकार बनाने में उनको सफलता मिली कांग्रेस की और उनकी जो स्टाइल है पार्टी को चलाने की वो एक अलग स्टाइल है राहुल गांधी की जो स्टाइल है वो एक अलग स्टाइल है। मैं समझता हूं कि ये जो आज क्राइसिस उत्पन्न हुआ था थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट किया नाराजगी दिखाई और 5 मिनट से कम समय में ट्वीट हटा दिया
गुलाम नबी आजाद ने जो आपत्ति की थी या जो चुनौती दी थी कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, वो खुद थोड़ी देर बाद आ गए और राहुल गांधी के पक्ष में उन्होंने बयान जारी किया, ट्वीट किया। तो ये एक बहुत छोटा क्राइसिस था जो आज उभरा था, लेकिन ये बड़े क्राइसिस में न बदले इसके लिए जरूरी यह है कि चाहे सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष रहें चाहे राहुल गांधी अध्यक्ष रहें। मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र की बात बहुत करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व भी करते हैं, लेकिन किसी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए कुछ हद तक तानाशाही की भी जरूरत है। इंदिरा गांधी को भले ही तानाशाह कहा गया हो, लेकिन जितनी खूबसूरती से उन्होंने कांग्रेस को दो दो बार विभाजन के बाद वापस खड़ा किया, 77 के चुनाव में हारने के बाद उन्होंने खड़ा किया, तो डेमोक्रेटिक होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़े तानाशाह होने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो भी पार्टी को लीड करते हैं उनको अपने फैसलों में एक जो कड़ाई है उसकी जरूरत है। उनको अपना फैसला बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर उनकी राय लेकर राय मशवरा करके फैसले करने के बजाय उनको जो अपना फैसला अच्छा लगता है वो सही हो या गलत हो उन फैसलों के साथ यदि कड़ाई से आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को मैं समझता हूं कि उबारने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल उबारने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जितनी देर होती जा रही है उतनी ही थोड़ा सा अलग तरह की अप्रासंगिक होती जा रही है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रसंग इस बात का हो रहा है कि देखिए कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है इसमें क्या चल रहा है मां बेटे के बीच में, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं। रमेश जी आपसे मां बेटे के बीच क्या चल रहा है जी, मां बेटे के बीच कुछ नहीं चल रहा है जी। और जो अप्रासंगिक होने की बात की जाती है, कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक तो हो ही नहीं सकती जी। यदि उसके पूरे इतिहास और परफॉर्मेंस को देखें तो सवाल सिर्फ ये है कि आज जो क्राइसिस कांग्रेस के अंदर है वो एक तरह से जो कंट्रोल जो पार्टी का लीडरशिप का होना चाहिए वो लीडरशिप का कंट्रोल कहीं कमजोर दिखता है, कहीं लगता है कि वहां अनिश्चय की स्थिति है। यदि हाल के घटनाओं को देखें तो जो मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जो हुआ कांग्रेस के साथ में, मध्य प्रदेश में तो सरकार ही गंवानी पड़ी कांग्रेस को, ये कहीं ना कहीं लीडरशिप का जो इंटरवेंशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को, कि कांग्रेस की लीडरशिप चाहे गांधी परिवार में रहे या गांधी परिवार के बाहर रहे, जिसको भी लीडर वो मानते हैं अध्यक्ष मानते हैं उसको तानाशाही करने का एक मौका उनको देना होगा, तभी पार्टी का रिवाइवल संभव है। लेकिन जितना देर होगी उतने नुकसान होगा। रमेश जी हमारे साथ है, रमेश जी क्या गांधी परिवार, हालांकि राजेंद्र तिवारी जी ने कह दिया जो और भी बातें आ रही हैं कि गांधी परिवार के अलावा अगर कोई और नेतृत्व संभालता है, पहले भी संभाले हैं लेकिन उतने तब स्थिति ये नहीं थी जो आज की स्थिति है, 44 सीट और 54 सीट की स्थिति जो बन गई है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनवा पा रहे, तो गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनता है या कांग्रेस की कमान संभालता है तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए मोटे तौर पर कांग्रेस पर जो वर्चस्व बना है गांधी परिवार का वो 1980 के बाद बना है। 1980 से पहले अगर पहला जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का 71-70 जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ वो जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हुआ था बीबी गिरी और उनके बीच लेकर के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1980 के बाद कांग्रेस के अंदर ये आया कि इंदिरा जी या उनके परिवार को छोड़ करके फिर किसी की कल्पना नहीं की गई है। हालांकि नरसिम्हा राव ने, मैं नरसिम्हा राव की ये तारीफ करूंगा कि अल्पमत में होने के बाद उन्होंने सरकार चलाई, ऐसा भारत मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के इतिहास में अल्पमत सरकार को चलाना ये नरसिम्हा राव के समय हुआ है। खैर उसके बाद जो गिरावट आना शुरू हुई है इसमें कोई शक नहीं कि सोनिया जी ने उसको नई ऊर्जा दी है, लेकिन आज का जो संदर्भ जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुझे ये बहुत ज्यादा ये ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस के भीतर ये कोई संकट है या सोनिया जी में और राहुल जी में किसी प्रकार का मतभेद है, मुझे ये कांग्रेस के एक रणनीति का भी हिस्सा लगता है। आप अगर देखें तो इस समय कई प्रांतों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बड़ी घटनाएं हुई हैं, गुजरात में भी कांग्रेस से कुछ विधायकों ने छोड़ा है, दक्षिण में भी कई विधायकों ने छोड़ा है, तो मैं समझता हूं ये जो कांग्रेस में अनिश्चित और निराशा का जो वातावरण बन रहा था, आप अगर देखेंगे तो ये जो घटनाक्रम है
जी मुझे मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह सकता जिन्होंने फुल टाइम अध्यक्ष की चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ये जो राहुल जी के पक्ष में या सोनिया जी के पक्ष में जो बयान हुए या सोनिया जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई अब मुझे छोड़ना है, साल भर मेरा पूरा हो गया है, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है। केवल इसी बात को लेकर के, इस घटना को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस में एकजुटता आ गई, और ये एकजुटता आप देखेंगे इस एकजुटता के बाद जो कांग्रेस में छोटी मोटी टूटन चल रही थी, लगभग 4-8, 6-8 प्रदेशों में ये टूटन हुई है, वो टूटन एकदम रुकेगी। और कांग्रेस में अगर अध्यक्ष बदलेगा तो जैसे कि आज निर्णय अभी आपकी हेडलाइन आ रही थी कि साल भर के लिए सोनिया जी को और समय मिल गया, मैं समझता हूँ कांग्रेस में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बदला जाएगा तो 1922 के अंत में या 23 के आरंभ में बदला जाएगा, वो लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके बदला जाएगा। लिहाजा अभी सोनिया जी अस्वस्थ हैं, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, शीघ्र स्वस्थ करे, अभी सोनिया जी ही चलाएंगे। उनके विकल्प के रूप में अगर राहुल आते हैं या प्रियंका आती हैं तो ये विकल्प 2022 या 23 के आसपास परिवर्तन हो तो हो सकता है। आज सवेरे भी कहीं बात हो रही थी, मैंने फेसबुक पर भी डाला था, तो मुझे अभी लगता नहीं कि सोनिया जी अभी छोड़ देंगे, तो शाम को ये खबर आई कि उन्होंने साल भर के लिए अपना कार्यकाल स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनसे आग्रह किया। तो कुल मिलाकर के मैं इसको संकट के रूप में नहीं देखता, ये कांग्रेस की रणनीति है। अगर इस तरीके से चर्चा पूरे देश में ना होती तो कांग्रेस में एकजुटता ना होती, इस घटना से कांग्रेस में एकजुटता तो आ गई है। बिल्कुल तिवारी जी, फिर से एक साल के लिए सोनिया जी, आपने राहुल जी को लाइक किया था, लेकिन एक साल और जो आप वरिष्ठ नेताओं की जो डिमांड है कि हमें पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, परमानेंट अध्यक्ष चाहिए, आंतरिक अध्यक्ष नहीं चाहिए, तिवारी जी? नहीं तो ये एक साल का कोई जरूरी नहीं है कि एक साल के लिए ही रहे, पहली बात तो ये है। और अभी मैं मेरे बड़े पुराने मित्र हैं गिरजा शंकर जी, उनको सुन रहा था, माननीय रमेश शर्मा जी को भी सुन रहा था। अब दोनों पत्रकार हैं और उनकी अपनी व्याख्या है, मतिर 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 भिन्ने, हर किसी ने अपने ढंग से व्याख्या की है, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। मगर ये बात पक्की है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, ये बात तो सिद्ध होती है। अभी कुछ देर पहले पांडे जी ने कह दिया कि जतिन प्रसाद चले गए, आप पांडे जी को शायद मालूम नहीं होगा कि जतिन प्रसाद जी प्रस्तावक थे राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे, और एक शाहनाथ पूनावाला करके कोई था, हम लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना, वो राहुल जी के खिलाफ खड़े हो रहे थे तो उनको प्रस्तावक तक नहीं मिल पाए, और एक तरफा चुनाव जो है वो राहुल जी के पक्ष में हुआ था। तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, ये तो स्पष्ट है। पांडे जी की पितृ संस्था आरएसएस की तरह नहीं है जहां डिक्टेटरशिप चलती है, जहां पर नाम तय कर दिया तो तय कर दिया, सवर्णों के सिवाय कोई होना नहीं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तिवारी जी, ब्राह्मणों के सवर्ण वो भी थोड़े दिन के। तिवारी जी, यहाँ तो परिवारवाद की बात हो रही है, वो ठीक है, उनके यहाँ पितृ संस्था संघ है तो वो जिसको चाहती है इटरशाही सब मंजूर है, वो पांडे जी उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ एक परिवारवाद की बात हो रही, लोकतंत्र कहाँ है? एक मिनट, नहीं, परिवारवाद का मैं जिक्र कर दूं जी, मैं परिवारवाद की व्याख्या कर दूं जी। देखिए त्रिपाठी जी, हमारा देश लोकतांत्रिक है जी, यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि अपने बेटे को बना दिया जाए और बेटा उसको स्थापित हो जाए, यहाँ तो जनता फैसला करती है, जनता निर्णय करती है। जनता जनता वांग्मय, गांधी वांग्मय का अध्ययन किया है, गांधी जी के पुत्रों का नाम तक नहीं जानते होंगे लोग भाग महात्मा गांधी के, तो जनता जिनको स्थापित करती है वो देश का नेता बनता है, बाकी कोई नहीं बनता, किसी का पुत्र हो कुछ हो। माधवराव जी सिंधिया साहब, जनता तो बीजेपी में भी जनता ही नहीं, आप जितने भी बात कर रहे हैं ना, नहीं नहीं, वह जनता ही चुनती है, इसलिए अगर सोनिया गांधी जी को तय किया है देश की जनता ने तो वो उस समय नेता रही हैं और आज कांग्रेस की नेता है। राहुल जी 2004 से लगातार लोकसभा के सदस्य चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो यहाँ तो जनता तय करती है, कोई राजशाही नहीं है कि बेटे को स्थापित कर दिया जाए और बेटा हमेशा सफल ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तिवारी जी, थोड़ा क्या मोदी जी को जनता ने नहीं सुना? तिवारी साहब, हमारी पार्टी, तिवारी साहब, मोदी जी को क्या संघ के सदस्य ने सुना? जनता ने नहीं सुना क्या?
नहीं तो संघ के सदस्यों ने ही तो चयन किया था लालकृष्ण जी आडवाणी को हटाकर, और फिर देश की जनता ने तय किया भाई, उससे कौन इंकार कर सकता है। वही वही हमारा सवाल वही कि जनता ने ही उनको इस बात से कौन इंकार करेगा कि आज प्रधानमंत्री के रूप में वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री है। विवादास्पद हो सकते हैं, उनकी तमाम नीतियों पर हम उंगली उठाते हैं, उनके तमाम जिस तरह के कृत्य चल रहे हैं इतिहास उसकी व्याख्या करेगा। उन्होंने किस तरह से नोटबंदी किया, किस तरह से जीएसटी किया, किस तरह से खड़े पैर लॉकडाउन कर दिया 3-3 महीने का, तो वह आने वाला इतिहास उसकी व्याख्या करेगा त्रिपाठी जी। जी मगर आज तो है प्रधानमंत्री, उसको हम भी स्वीकार कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, हर कोई स्वीकार करेगा। जी 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 बिल्कुल। पांडे जी आप उत्तर देना चाहेंगे? हालांकि मगर आने वाला इतिहास 10 साल बाद इतिहास जब समीक्षा करेगा तो देखिएगा। चलिए उनका एक तरह से इशारा तिवारी जी का पांडे जी की उस तरफ ही है कि जिस तरह इमरजेंसी को आप लोग अभी तक याद करते हैं उसी तरह नोटबंदी और मैं वो एक बार यहाँ से याद करेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि जो इमरजेंसी के लिए तो हमने माफी मांग लिया था हाथ जोड़ करके जी। तो जी जी पांडे जी, संघ पर जो बोल रहे थे तो संघ को समझने के लिए तो अब शायद नेहरू जी तो बेचारे स्वर्गवासी हैं, नेहरू जी के पास जाना पड़ेगा इन कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि संघ को 1962 के बाद गणतंत्र दिवस में परेड के लिए बुलाने वाले अगर कोई थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी। तो संघ क्या है, संघ को समझने के लिए तो अब पंडित नेहरू से तो नेहरू के बाद ही इन लोग हैं, तो इसलिए बार बार संघ संघ क्यों क्यों कर रहे हैं जी। और संघ क्या है और क्या नहीं है, इसमें बहुत बहस हो चुकी है जी। जहां तक आज वर्तमान स्थिति में है, मैंने पहले भी वो बातें कही थी और जिसको रमेश शर्मा जी ने बड़े इससे कहा कि जो मेरा उस समय भी नरसिम्हा राव जी के समय, वो सीताराम केसरी उसके बाद बने थे, नरसिम्हा राव के समय जो एनडी तिवारी कांग्रेस बनी थी, आप देखिए जो जो लोग थे वो सब सोनिया गांधी के साथ आ गए जी। तो ये कैसे भी कांग्रेस पार्टी को जी गांधी परिवार और जैसा आपने कहा कि इंदिरा गांधी के बाद में ये जाने भी नहीं देंगे। और एक बात गिरिजाशंकर जी भी जो कही है, ये कांग्रेस की मजबूरी भी है और कांग्रेस शुरू से एक व्यक्तिवादी पार्टी रही है, लीडरशिप बेस्ड पार्टी रही है। तो जब उनका लीडर अच्छा रहता है तो उनका जनाधार बन जाता है, कोई उनके विचार नहीं है, संगठन नहीं है, जन आंदोलनों की पार्टी रही है जो आजादी के पहले, तो जनता वोट देती है जीतते हैं, लेकिन लीडरशिप की बात जी। क्योंकि राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, तो कांग्रेस के बहुत सारे वे नेता जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दो दो बार जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर उसके नेतृत्व में फिर कांग्रेस लड़ती है तो जनता उनको उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न लग सकता है। इसलिए और ये बात मैं भी मानता हूं कि कोई पार्टी समाप्त नहीं होती है, पार्टियां सिमटती है और बढ़ती जरूर है जी। लेकिन राहुल जी को क्योंकि उनकी अप्रेंटिस बहुत हो रही है, आप देखिए पहले उनको दाढ़ी बढ़ा करके किया गया, एंग्री यंग मैन बनाया गया, फिर बिना दाढ़ी वाले ये आप लोग कर रहे हैं, जो ये आप लोग कर रहे हैं बनाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दाढ़ी क्यों बना रहे हैं, कौन बता रहा है कि बता दीजिए, ऐसा ऐसा मोदी क्यों दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ये क्या औचित्य है यार। चलिए एक मिनट, गिरिजा जी जाने वाले हैं, गिरिजा जी से संक्षेप में मोदी जी तो शुरू से दाढ़ी वाले थे। पांडे जी गिरिजा जी जाने वाले हैं, एक बहुत संक्षेप में उनका टिप्पणी ले लेते हैं। गिरिजा जी सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष एक साल के लिए और बन गई है। मैंने पांडे जी मोदी जी को तो नहीं देखी। गिरिजा जी सोनिया जी एक साल के लिए और अंतरिम अध्यक्ष बन गई है। गिरिजा जी मेरी आवाज आ रही लगता है संपर्क टूट गया। खैर जी पांडे जी अपनी बात कर रहे थे आप। पांडे जी मैं ये कि कांग्रेस के पार्ट पास ये मजबूरी भी है कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और
सोनिया गांधी, तो सोनिया जी को जो रमेश शर्मा जी ने कहा, मैं उससे थोड़ा इतफाक रखता हूं कि ये एक आंदोलनी जो उनकी राजनीतिक सोच रहती है कि राहुल गांधी फेल हो गए, जनता में तो फेल हो गए, तो अब कांग्रेस पार्टी में फिर से यदि ले आना है तो एक ऐसा कुछ बवाल हो जाए कि राहुल गांधी के साथ सब लोग खड़े हैं। और जिन लोगों ने पत्र लिखा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व को मान रहे हैं कि वो असफल हैं, देखिए चुनाव में सफलता और असफलता दोनों आगे जाके मजबूरियां रहेंगी, एक दूसरे के पूरक है। कहिए 80 में आप भी दो सीट में थे, 85 में कितनी सीट में थे, 85 में दो सीट थे, ये तो समय है, समय कैसे आता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आपने जो इनके आप आयात क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस के युवा नेताओं को आप आयात क्यों कर रहे हैं, आप कैडर बेस्ड पार्टी हो तो खुद ही बोल रहे हैं मास बेस्ड पार्टी है, आप क्यों ले रहे हैं अपने यहाँ, क्या आपको एक दिन में वो आपके सिद्धांत में वो खड़े उतर रहे हैं, एक दिन में सिद्धांत में खड़े उतर जा रहे क्या? देखिए हम कोई आयात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारे विचारों से सहमत होकर के आना चाहे तो हम उसको क्या कहेंगे, नहीं आप जाइए। कोई आयात नहीं कर रहे हैं, कराइए। हम कोई आयात नहीं कर रहे, हमारे पास तो लोग हैं, और हमारे यहाँ जिस विचार को लेकर के जो जाते हैं चाहे जो भी आए हैं, हमारा विचार अपने जगह स्थायी है जी। और जिसको भी आना है वो हमारा विचार अच्छे से समझता है जी। और उस विचार के साथ जितना सहमत रहता है उतना दूर चलेगा जी। चलिए हम शर्मा जी पास चलेंगे, लेकिन राजेंद्र जी एक बात माननी पड़ेगी, आप बार 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 थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा आपसे जवाब लेंगे, लेकिन आप बार बार अभी आप अभी लेंगे लेकिन हमारा सवाल संघ के बारे में नहीं बोलूंगा। चलिए जी, संघ के बारे में जो आप बार बार कह रहे हैं, आपको भी ध्यान होगा, आप शायद आप मैंने जो निरंतर पढ़ने वाले जो राजनेताओं में हैं, व्यक्तियों में हैं, वो आप हैं। 1977 में बांग्लादेश पे जब इंदिरा जी ने विजय पाई थी तो उसके पहले आपको ध्यान होगा कि नागपुर उन्होंने किसी दूत को भेजा था और ये कहा था कि मुझे उनका समर्थन चाहिए तभी मैं बांग्लादेश अलग कर सकती हूँ पाकिस्तान से, ये चीज। इसलिए संघ को राष्ट्रभक्ति नहीं है उनमें, ऐसा आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं राष्ट्रभक्ति वाली बात नहीं, ये सवाल तब खड़ा होता है आप इस बात के प्रामाणिक दस्तावेज जुटा सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं था, मगर जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी ने भी इनको देशद्रोही नहीं कहा था। देखिए उल्लेखनीय बात है, और आज तो ये स्थिति है, दुख तब होता है जब आप इनके विचारों से थोड़ा सा अलग हो जाएं तो आपको देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता है, पाकिस्तान भेज दिया जाता है, अब तो चीन से समझौता हम लोगों ने कर लिया ये कह दिया जाता है। पाकिस्तान किसको भेज दिया था? बताया ना, पाकिस्तान किसको भेज दिया है? के चुनाव में दो सीट थी भारतीय जनता पार्टी जी, की जी, पाकिस्तान किसको भेज दिया? पहला वाक्य हो जाने दीजिए, दो सीट थी जी। नहीं, ये बिहार के चुनाव में तो इनका वो था ना, इनके जितने मंत्री थे कि ये हमारे विचारों से सहमत नहीं है, ये है, इनको तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दो सीट थी 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको ऐसा देश चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो। क्यों मुक्त हो भाई, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष थे और विपक्ष के रूप में अपना काम करे, सत्ता पक्ष अपना काम करे, और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी। हमने कभी भी भाजपा मुक्त भारत की बात नहीं की थी, और इसीलिए शायद मैं अभी पांडे जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बयान को आप थोड़ा सा चुनाव के पहले का सुन लेते आप कि कैसा पानी पी पी करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसा है, तो इनको लग जाता कि इनके विचारों से प्रभावित होकर के नहीं आए हैं, किस चीज से प्रभावित होकर के आए हैं ये जग जाहिर है। और शायद इसीलिए आदरणीय दिवंगत बेहद आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कहा था कि राज धर्म का पालन होना चाहिए, वो शायद इसी बात को ध्यान में रख के कहा था। उन्होंने कल्पना नहीं किया था कि जिस तरह की
परिकल्पना उन्होंने की थी वो तो वो कैसे लोग थे जो संसद में खड़े होकर के इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कह रहे थे, वो बात खत्म हो गई। इससे दुख होता है कभी कभी कि आप किसी से वैचारिक रूप से अगर आपका मतभेद है तो आप उसको देशद्रोही बना दें और दुनिया भरी की बात करें। यानी कि वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सत्ता कैसे गिरी है ये सबको मालूम है। रमेश तिवारी जी वही कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी में जब शीर्ष नेतृत्व मजबूत ना हो, जब किसी भी घुड़सवार का अगर वो सही ढंग से उसकी लगाम नहीं पकड़ता है तो ये होता है। आपने खुद कहा कि सिंधिया जी ने किस तरह, मतलब पार्टी नेतृत्व, सरकार नहीं गिरती, नेतृत्व तो कमजोर है। मैं बात उसी की कर रहा हूँ कि इस समय फुल टाइम उनको नेतृत्व की जरूरत है। बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी और उनके पूरे कैबिनेट से अगर इस समय कोई अकेला लड़ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर होता है, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, भूपेश जी ने कहा था जी। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व में मजबूती चाहिए, तभी आपकी पार्टी आगे जाएगी। रमेश जी हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। सोनिया जी फिर बन गई है एक साल के अंतरिम अध्यक्ष। अब ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने पहले भी आकलन किया था कि ये अभी से जब चुनाव होना होगा उसके एक साल पहले, निश्चित तौर पर जब कोई फिल्म रिलीज होना होता है उसको कुछ दिन पहले ही कोई बड़ा हीरो जब लॉन्च किया जाता है, बड़े बजट की फिल्म बनाई जाती है, उसी तरह पहले चलो ठीक है चलते रहे। आपने जैसे कहा कि 2023 के आसपास राहुल जी या प्रियंका गांधी जी को शायद लॉन्च करें, ऐसा आपने अपना अनुभव साझा किया था जी। हाँ, फिर बन गई है कि 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में जी राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका हो सकती है या कोई और ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको कार्यकर्ता स्वीकार कर ले। जहाँ तक लगता है कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? नहीं, बिल्कुल रह सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटे तौर पर जो लोग गांधी परिवार को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, 67 के बाद नहीं, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 67 में इंदिरा जी, सारी कांग्रेस इंदिरा जी के साथ चली गई, कामराज जी वगैरह सब बाहर हो गए। इसके पहले आपको ध्यान हो जब 77-78 में बनी कांग्रेस फिर से, तो कांग्रेस वो थी राय बछड़ा था, उन्होंने सिर्फ पंजा के आधार पे कांग्रेस आई बना दी, इंदिरा कांग्रेस, और उस पर पूरी कांग्रेस चली गई, यानी गांधी परिवार का प्रभाव। तो उसके बाद कहां आपने देखा, वो तो देखिए नरसिंहा राव जी बन गए थे, लेकिन वो राजीव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, राजीव जी की शहादत हुई, इस कारण और सीटें, आप भी ध्यान रहे कि जब उनकी शहादत हुई उसके बाद जो सीटें लड़ी गई उनमें लगभग 70% सीटों में कांग्रेस जीती थी। तो नरसिंह राव जी उनके दम पे बने थे, उसके बाद नहीं बने, जो भी चुनाव हुआ गांधी परिवार के दम पे लड़ा गया और गांधी परिवार के दम पे जीता गया। त्रिपाठी जी, जैसा कि मैंने पहले भी दौर आया है 1980 के बाद, और 1980 के बाद का ये दौर केवल इसलिए आया है कांग्रेस में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की राजनीति कूटनीति बहुत अच्छी करते हैं, मैदानी नेताओं की या मैदानी पकड़ वाले नेताओं की कांग्रेस में निरंतर कमी होती चली जा रही है। जो दौर निकल गया मैदान के थे, जैसे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा मैदान के थे, जगजीवन राम मैदान के थे, मुरारजी भाई मैदान के थे, कामराज मैदान के थे, विद्याचरण शुक्ल श्यामाचरण शुक्ल मैदानी नेता थे, मैदानी नेता थे, वो जो मैदानी नेताओं का जो संख्या थी वो कांग्रेस में चूंकि घट रही है, अब कहीं ना कहीं जो गणेश प्रतिमा करके पद प्राप्त करना चाह रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एक लंबे समय से तिवारी जी को पढ़ता भी रहता हूँ, उनके लेख भी पढ़ता हूँ और डिबेट भी बहुत अच्छी करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि तिवारी जी जैसे व्यक्ति को क्यों फ्रंट लाइन में नहीं आने का मौका मिला? उनको महत्व तो मिलता है, फ्रंट लाइन में है, कहीं ना कहीं उनको जो मौका मिलना चाहिए था छत्तीसगढ़ की राजनीति जी, वो मौके में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसके पीछे आ रहे हैं। आप मुझे देखिए कि उनके समकालीन दूसरे दलों के लोग या उनकी पार्टी में जो उनके बाद में आए हैं वो उनसे ज्यादा कितना महत्व पा चुके हैं। तो कहने का अर्थ है इस समय कांग्रेस में ज्यादातर गणेश परिक्रमा वाले लोग हैं, इसलिए वो गांधी परिवार से आगे नहीं आ रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस जमीनी मुद्दों पर आएगी, आप मुझे ये बताइए आज भाजपा जिन मुद्दों को उठाकर चल रही है, एक जमाने में ये सारे मुद्दे तो कांग्रेस के थे, रामराज की कल्पना गांधी जी ने की थी, वंदे मातरम 1896 में
पहले वक्त कांग्रेस के अधिवेशन में उसको गाया गया था, वो वंदे मातरम का नारा वही लोग लेकर के आए थे। दो बैलों की जोड़ी है गाय का बछड़ा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस हटकर के एक ऐसी स्थिति में आ गई जिस कांग्रेस ने कभी राम राज्य की बात कही थी, उस कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार ने अदालत में एक एफिडेविट दे दिया कि उन्होंने कांग्रेस राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम आप देख लीजिए, अब कांग्रेस की कितनी बैठकों में वंदे मातरम आज होता है, तो गाय पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने गाय पर बहुत बढ़िया काम किया। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को नमन करना चाहूंगा, उन्होंने गाय को लेकर के जो काम किया। तो जब तक जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर कांग्रेस दोबारा नहीं लौटेगी, आप मुझे बताइए, मैं प्रश्न से हटकर के आपसे कहना चाहता हूं, जितने अवतार भारत में हुए हैं उसमें गाय भी एक शामिल रही है जो नारायण से प्रार्थना करने गई है, विप्र धेनु सुर संत, तो गाय वहां पर आती है। जितने बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे परशुराम जी का और सहस्रबाहु का युद्ध आप देख लीजिए, जितने बड़े युद्ध देख लीजिए, खुद अवतार कृष्ण जी तो गायें चराए गए हैं, तो भारत के जीवन में गाय रही है। आपने उसको छोड़ा, खैर छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको अपनाया है। तो मैं लौट करके आना चाहता हूँ, कांग्रेस में चेहरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है कि युवा चेहरा, तो राहुल गांधी भी कौन से युवा बचे हैं, 50-51 साल के हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति आए, भले ही राहुल गांधी हों, लेकिन उनको जमीन से जुड़े हुए देश की जनता को नब्ज पकड़ते हुए वो मुद्दे अगर उन्होंने उठाएंगे तो मैं समझता हूँ तब कांग्रेस का सर्वाइवल होगा। और मुझे लग रहा है कोई ऐसा चेहरा आ जाए, ऐसा नाम व्यक्ति को आ जाए जो लोगों की नब्ज को पकड़े। मैं एक उदाहरण ही देना चाहता हूँ, एक मिनट, जब आधा मिनट ज्यादा लूंगा। अभी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एक नारा दिया कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो किसान के कर्जे माफ करने का लाभ उनको छत्तीसगढ़ में भी मिला, मध्य प्रदेश में मिला, गुजरात में भले ही उनको सरकार नहीं बनी लेकिन उनकी सीटें बढ़ी, भाजपा की सीटें कम हुई, देश भर में इसका लाभ हुआ। तो कांग्रेस को अब उठाना पड़ेगा, तो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना पड़ेगा। चेहरा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। अब वो देखिए राहुल जी भी इसको चला सकते हैं, राजेंद्र तिवारी जी हो जाए वो चला सकते हैं, लेकिन मुद्दा उठाना पड़ेगा। जमीन से जुड़ा हुआ बार 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 कुरेद रहे हैं क्या तिवारी साहब? जब शर्मा जी कुछ कह रहे हैं तो कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार कुरेद रहे हैं आपको इंडायरेक्ट रूप से जी। हाँ, मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मैं शर्मा जी के प्रति पूरी सद्भावना और पूरा प्रेम प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कांग्रेस की हर बैठक शर्मा जी वंदे मातरम से प्रारंभ होती है और जलगण मन से समापन होता है उसका। एक तो छोटा सा निवेदन ये था। दूसरा, वो राम जन्मभूमि के बारे में आपने कहा, ये कपिल सिब्बल जी ने किसी मुस्लिम पैरवीकार के पक्ष में ये बात कही थी, हालांकि शब्द वैसे नहीं थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये वो उसको करोड़ करोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया। मगर मैं ये मानता हूं कि कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के नेता हो सकते हैं। और आज मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से त्रिपाठी जी ये भी बोलना चाहूंगा कि पूरी वर्किंग कमेटी को आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल जी जैसे नेताओं की को दरकिनार रखना चाहिए। भाई वो कांग्रेस के लोग रहे, कार्यकर्ता रहे, मगर बहुत ज्यादा उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा एआईसीसी का मेंबर ये कह रहा है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में नेतृत्व, जो पांडे जी ने कहा था उसकी बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि कांग्रेस का नेतृत्व, भले ही कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी हो, नेतृत्व हमेशा एक आदमी के पास रहा। आजादी के पहले महात्मा गांधी के पास नेतृत्व था, इसलिए 1939 में जब त्रिपुरी सम्मेलन हुआ और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभि सीतारामैया के बीच में चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस जीते, मगर अनिच्छा जाहिर की वर्किंग कमेटी में शामिल होने से महात्मा गांधी ने, तो सुभाष चंद्र बोस को पत्याग करना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही पांडे जी को शायद कांग्रेस का इतिहास थोड़ा और समझ लेना चाहिए कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और पुरुषोत्तम लाल टंडन और साथ में आचार्य कृपलानी के बीच में हुआ था, कृपलानी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उम्मीदवार थे, हारने के बाद भी जब उन्होंने वर्किंग कमेटी में शामिल होने से अनिच्छा जाहिर की तो टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस का हमेशा एक रहा है। ये संभव नहीं रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व विभाजित होता रहा। और नेतृत्व एक, मैं रमेश जी की इस बात से सहमत हूँ और गिरजाशंकर भाई की, जिनको आप, जिनका कुछ कनेक्शन ठीक ठाक नहीं हो पाया, उनकी बात से तो 100% सहमत हूँ कि कांग्रेस अंततः हर मामले में उभर करके सामने आएगी। और नेतृत्व कांग्रेस का एक ही है और
गांधी परिवार के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसको मैं रेखांकित करके कहना चाहूंगा। लेकिन तिवारी जी, बार बार क्यों आप पांडे जी को बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का पृष्ठभूमि जाने, अरे कांग्रेस थोड़ी शामिल हो रहे हैं, वो पृष्ठभूमि जानेंगे संघ का, पृष्ठभूमि जानेंगे जनसंघ का, पृष्ठभूमि जानेंगे बीजेपी का, कांग्रेस का पृष्ठभूमि क्यों उनको पढ़वा रहे हैं? उसके मामले में टिप्पणी करते हैं ना, इसलिए मैंने कहा पांडे जी से बहुत प्रेम पूर्वक। पांडे जी बहुत, हमारा समय समाप्त हो गया, बहुत मैं बस एक लाइन जो तिवारी जी ने कहा वही मैं बोलना चाहता हूं कि अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, और अभी आपने कांग्रेस के नेताओं का इतिहास बता दिया जी। कि जो जो पावरफुल रहे थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कार्यकर्ता और सब चाह रहे थे कि महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बने अध्यक्ष, और वो बन गए थे, लेकिन उनको नहीं पसंद है तो उनको हटा दिया जी। ऐसे ही नरसिम्हा राव जी के समय जी। सोनिया गांधी और इन लोगों ने ही वो तिवारी कांग्रेस बनाई थी और बाद में वापस आए। तो ये कांग्रेस जो है अभी बोल रहे हैं कि नेतृत्व, और पहले बोल रहे थे नहीं लोकतंत्र है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हो देशद्रोही बोलते हैं चाइना के संबंध में, राहुल गांधी जी आज जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखा जिनको ये अपना नेता मानते, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस नहीं भाजपा से मिले हुए दिख रहे हैं। ये तो बात खंडन भी कर दिया लोगों ने। राहुल गांधी चाइना के पांडे जी, अरे खंडन तो बाद में हो चुका है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ताजा जानकारी रखा करो। अरे वो फेस सेविंग है, जानकारी आप दोपहर, अरे भाई जानकारी है मुझे, लेकिन वो फेस सेविंग है, वो फेस सेविंग है कि राहुल जी ने, अरे वो फेस सेविंग है, जब नहीं कहा तो उस बात को लेकर के कपिल सिब्बल जी ने कहा कि मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा चले, हाँ लेकिन वो फेस, अरे भाई कहना है वो फेस सेविंग है, आप जो चाहे वो बोलो। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, आप कम से कम, अरे भाई वो तो समय समाप्त हो रहा है सामने, और वो भी ये बोल रहा हूँ आरोप है। तो जब आप चाइना और पाकिस्तान के ऊपर जब सरकार कार्रवाई करती है उस समय आप इनके पक्ष में खड़े होते हो। नहीं नहीं, ये आपकी पार्टी का नाम है, दुर्भावना फैलाओ, दोनों लोग बहुत वरिष्ठ हैं, सच बताने की कोशिश करो। तिवारी साहब, पांडे जी हम बोले पहले, आपको महारत हासिल है, आपकी पार्टी किसी और को महारत हासिल नहीं है। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं कि मैं किस तरह से, अरे वो तो बाद में फेस सेविंग के लिए किया गया। चलिए, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन अनुरोध जरूर कर सकता हूँ कि समय हमारा समाप्त हो रहा है। चलिए ठीक, जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी, पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तिवारी जी आपका, और शर्मा जी आपका, और बाह हम फैलाए हैं तिवारी जी, आप आइए कब आएंगे, मैं बाह फैलाए हुआ हूँ। चले बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए इब्तदा इश्क सलामत है तो इंशाल्लाह कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आएंगे। हमको मालूम है कि आप, हम कच्चे धागे से भी, हम आपको जंजीर से बांधना चाह रहे हैं साहब, जंजीर से बांधना चाह रहे हैं, कच्चे धागे में आप आजकल दम नहीं बचा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, पांडे जी आपका भी, और शर्मा जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राहुल गांधी पहले ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तब सोनिया ने अगस्त में एक साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। वहीं अब जब एक साल पूरा हो चुका है तो वह यह पद छोड़ना चाहती है। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस्तीफे की पेशकश भी की। हालांकि सवाल इस बात का है कि कांग्रेस में बदलाव की मांग उठ क्यों रही है। इसका जवाब शायद यही है कि पार्टी लगातार सिमट रही है। साल 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। इस चुनाव में कांग्रेस को अपने इतिहास के सबसे कम 44 सीटें ही मिली थी। वहीं 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो पार्टी सिर्फ 52 सीटें ही जीत सकी। इसके अलावा देश में कांग्रेस का कैडर कमजोर हुआ। साल 2010 तक पार्टी के सदस्यों की संख्या जहां 4 करोड़ थी, वहीं अभी यह लगभग 1 करोड़ के आसपास है। आज की तारीख में सिर्फ 6 राज्यों, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस की, या कहें कांग्रेस समर्थन वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ की सरकार इसी साल मार्च में गिर गई थी। खैर, अभी किस तरह के हालात हैं, देखते हैं उससे कांग्रेस किस तरह निपटती है और उसका नया कप्तान कौन बनता है। इसी साथ जनता मांगे जाता है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।